किसान भाइयों नमस्कार। पिछली वीडियो में जिसमें हम रुपाई के बारे में बताए थे, तो उसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए थे आप लोगों को। वो ये है कि देखिए, जब आप रुपाई करते हैं तो कुछ पौधे इस तरह से नज़र आते हैं या उनकी पत्तियां सूख जाती हैं, तो ये कोई रोग नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि आपकी मिट्टी में कीड़े होते हैं अंदर से, जो आपके पौधे को अलग कर देते हैं। मतलब तना काट करके अलग कर देंगे, जड़ अलग कर देंगे, आपका पौधा ऊपर से हरा दिखेगा और 2-3 दिन के अंदर पत्तियां सूख जाती हैं। तो इसके लिए जो उपाय है हम आपको बता दे रहे हैं, आप वो उपाय कर दीजिएगा और सही हो जाएंगे पौधे। ये बीमारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ मिट्टी के कीड़े ही होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसा कि आप ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए अभी इसको उखाड़ा जा रहा है, तो इसके बाद इसमें देखिएगा कि जड़ इसकी गायब है। इसका कारण ये है कि कीड़ा इसको काट करके अलग कर दिया है। अब देखिए, हम जब जो जड़ वाला भाग है उसको आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये जड़ को काट करके अलग कर दिया और तना अलग हो गया, तो ये आपका पौधा सूख जाएगा। तो इसके लिए 5 ग्राम रीजेंट या टास्क, टास्क जो होता है ये आपके खेत के लिए सही नहीं रहेगा, तो रीजेंट डालिए 5 ग्राम चारों तरफ और सिंचाई कर दीजिए। और इसके बाद आप 2 ml प्रोफेक्स सुपर प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दीजिए, ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी मिट्टी में कीड़े एकदम नहीं हैं तो ये रोग नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन आप सावधानी बरतिए, पहले ऐसा कर लीजिए।